देखिए आप देखिपे बर्तमान आम अच्छा भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम कलिंग स्टाडियम जो रही हाई परफॉर्मेंस सेंटर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बर्तमान कह गए गोटे खुशी माहौल समस्ते भारत टीम रो विजय रही विजय को समस्ते उपभोग कर भारत टीम ये विजय हासिल कर समस्ते उत्साह भर आग को आप जानते भारतीय महिला हॉकी दल मैच अच्छी तेणु भारतीय महिला हॉकी दल जेहेतु मुकाबला रही तेणु तर गोटे मोराल बुस्ट करने मैच विजयटी निहाती आवश्यक थी आम सहित किसी जन जोड़ी होती युव क्रीड़ाबित आम सहित आलोचना करवा मैडम कौन कहे बर्तमान जो देखुं मुकाबला भारत जीतला और ब्रोंज मेडल जीतला आग को महिला मुकाबला आसूत उत्साहित अच्छा जो विजयटा पुरुष हॉकी दल जो विजयटा महिला दल को मोराल बुस्ट कर जेहेतु तो आम बहुत खुशी अच्छे 41 वर्ष पर आमको ब्रोंज मेडल मिलला ओलंपिक हॉकी रे तापर जेहेतु भाई माने जीते छंती ताको देखि के झियो माने भी उत्साहित है कि भलसा खेलबे जरूर से माने ब्रोंज मेडल आनिबे जेहेतु आपे आपण माने देखुतिबे सीधा सडक देखुतिबे वर्तमान उत्साह रो माहौल वर्षा हेले भी से माने बुकेप न करी जो रहीची कलिंगो स्टेडियम हाई परफॉर्मेंस सेंटर रो उभय पुरुषों को कथा कहबा कि महिला को समस्त देखंतु कोबळी भाबे ताळे ताळे एरो मुकाबला करचंती एवं सहित जो नातरे मशगुल होने खुशी जाहिर करुँच कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी आप सीधा सड़क दृश्य देखते वर्षा हेले भी से जो टीम विजय होती भारत दीर्घ 41 वर्ष पर ओलंपिक रे जो मेडल हासिल करजय को कौली भाव सेलिब्रेसन कर सीधा सड़क दृश्य देखुं आप देखुं सीधा सड़क दृश्य से कौली भाव नाचिकी ये खुशी सेलिब्रेसन करम सहित आउ कि जन जोड़ी आम आलोचना करवा मैडम मैडम कौन कहे मैडम मैम क्या कहेंगे अच्छा लग रहा है बहुत खुश हो रहे हैं हम बहुत खुश हैं कि हमारा इंडिया ब्रॉन्ज मेडल लाया है तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मेंस टीम को जो ब्रॉन्ज मेडल लाया है इसको मतलब जो वुमेन टीम का मैच है वो कितना इम्पोर्टेंट होगा इसके लिए हम भी चाहते हैं कि वुमेन्स लोग भी ब्रॉन्ज मेडल लाए हम बहुत खुश हैं अगर वो लोग भी लाएंगे तो हम बहुत ज्यादा खुश होंगे हम भी उनके जैसे बनना चाहते हैं शुणुले जुब मानने मतलब जो युव प्रतिभा मैंने जहाँ कहते गोटे मोराल बुस्ट हम जदि पुरुषों पर महिला मैंने ब्रोंज पदक जितने कारण ये हूँ देशर भविष्य मैंने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर रे जो प्रशिक्षण ये नौने देशर भविष्य आग को देश खेल देश को प्रतिनिधित्व करेंगे आज जो भारतीय हॉकी खेला आप मनप्रीत सिंह को कथा कहवा कि वीरेन्द्र लाक्रा कथा कह जो भाव प्रदर्शन करुँच भारत मेडल जीति भले आग को भारत को प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत को मेडल जितने तेणु से मोराल बुस्ट से गोटे कथा कहते भारतीय पुरुष हॉकी दल जो भाव ब्रोंज मेडल जीतिक आसला महिला हॉकी दल से भल प्रदर्शन करूँ ब्रोंज मेडल जितू बोली आशा कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी बर्तमान सीधा साल दृश्य देखे से आप देखुले जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर रही कलिंग स्टेडियम परिसर में महिला खेला मैंने कौली भाव सेलिब्रेसन करते मुझे कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी आप देखूँ पुरुष खेला मैंने कौली सेलिब्रेसन करते से वर्षा हेले भी भूखेप नक नाच गीत समेत मशगुल अच्छा भारतीय दल जो 41 वर्ष पर जो ओलंपिक रे विजय हासिल क्षमा करेंगे जो पदक हासिल कर खुशीटा रही है खुशी से एक प्रकार सेलिब्रेसन कर आम सहित आउ कि जन जोड़ी होती आम सह आलोचना करवा भाई क्या बोलेंगे मतलब 41 इयर्स के बाद भारत को मेडल मिला है ओलंपिक में तो क्या बोलेंगे इसके बारे में यही मतलब बहुत अच्छा लगा है मतलब 41 साल के बाद इंडिया में हॉकी में मेडल आया तो बहुत अच्छा लगा है और आज के मैच देखने के बहुत मतलब सीखने को मिला है। कल वुमेन्स टीम का मैच है आपको क्या लगता है वुमेन्स टीम भी भारत मतलब मेन्स टीम के जैसे मेडल ला पाएगा? हाँ श्योर लाएगा मेरा भरोसा है पूरा लाएगा। जो आज मेडल जीता है जो उनके उनके इम्पैक्ट कितना पड़ेगा मतलब मेंस टीम जो मेडल जीते हैं उनको कितना मोरल बूस्ट करेगा मतलब ऐसा मतलब वो लोगों लगा बॉयज ने मेडल हासिल किया है तो हम लोगों को भी लाना होगा ऐसा पूरा पूरा जोश में खेलेंगे वो लोग मैच। आप शुणुले गोटे कथा तो आम देखीचे टोकियो चमकुं भारतीय महिला आथलेट आप देखु सबु क्षेत्र में अनेक क्षेत्र में महिला प्रदर्शन करते गोटे पर गोटे मेडल जीति से भाव आप देखिपे जो उत्सव माहौल किसी समय पूर्व आम सहित जो जोड़ी होते जो कहते पुरुष मैंने जो मेडल जीतने तेणु महिला मानक गोटे आशा थोड़ा पुरुष मैंने आसिले मेडल जीतने किंतु आम मैंने कहीं जितबानी आम से भाव किसी कर देखा आप देखिपे बर्तमान भी से उत्सव जारी रही
ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟାଏ ଆଶା ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜର୍ମାନୀକୁ ହରେଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଲା ସେହିଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କରିସ୍ମା କରୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଯିଏକି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରୁ ହାରିକି ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମିତି ଭାବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯାହା ମୁକାବିଲା ଅଛି ସେ ମୁକାବିଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତାଇବ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଜିତୁ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ମଧ୍ୟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।